हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करी थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? राइट द नंबर नेम फॉर द न्यूमरल्स। तो हमें ये न्यूमरल्स दे रखे हैं, इनका हमें नंबर नेम राइट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी करा है, लेकिन उस एक्सरसाइज में हमें 10,000 प्लेस वैल्यू तक के डिजिट्स थे। इस बार जो है वो लैक और 10 लैक प्लेस वैल्यू की डिजिट्स भी हैं। ठीक है, तो नंबर नेम राइट वैसे ही करना है, बस लैक और 10 लैक प्लेस वैल्यू की डिजिट्स भी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक और 10 लैक। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1000 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, लैक होता है, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाता है, 10 लैक। ओके, तो ये 10 लैक प्लेस वैल्यू तक डिजिट्स है। तो ये जो इसको नंबर नेम में कैसे राइट करेंगे, ये दोनों डिजिट्स लैक की है, ये लैक की, ये 10 लैक की। तो इसको कैसे लिखेंगे, 43 लैक। ओके, फिर 10,000 प्लेस की डिजिट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह कुछ नहीं लिखना है। फिर 7,000, 7,000, और ये क्या है, हंड्रेड्स का प्लेस है, तो 900। और ये टेंस का प्लेस है और ये वंस का, तो 960 और 8। ठीक है, तो ये वंस का प्लेस, टेंस का, 100,000, 10,000, लैक और 10 लैक। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 43,07,968। ओके, सेकंड देखो, इसमें भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लैक तक। ठीक है, तो ये कौन सा, इस डिजिट का क्या प्लेस है, लैक। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 लैक, और ये दोनों 1000 के, ये 1000 का और ये 10,000 का प्लेस है, तो 3,56,000। ये 100 का प्लेस, 400। ये टेंस का प्लेस, तो 70 और 9। ठीक है, तो 3,56,479 ये इसका नंबर नेम हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक। ठीक है, तो ये वाला जो न्यूमरल है इसका भी नंबर नेम, तो ये भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक। ठीक है, तो इसका भी नंबर नेम ऐसे ही राइट करना है जैसे ऊपर वाले दो कर रहे हैं। तो इनके नंबर नेम, इस वाले का नंबर नेम आप खुद राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 7420855। ये हमारे डिजिट्स है, इसके अंदर हमें इस डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। तो ये देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक और 10 लैक। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, लैक आया है हमारा। ठीक है, तो 4 का प्लेस वैल्यू है लैक, और लैक के लिए कितनी जीरो लगती है, 5 जीरो लगेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लैक के लिए 5 जीरो लगती है। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, लैक, तो उसके लिए हम लिखेंगे 4 के साथ 5 जीरो। ओके, नेक्स्ट देखो, 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, इन 5, 2, 4, 7, 2, 7, 6। तो 1, 10, 100,000, 10,000, लैक और 10 लैक। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या आया, 10 लैक। ठीक है, और 10 लैक के लिए 6 जीरो लगती हैं। ओके, तो ये आपको लर्न रखना है कि 10 लाख के लिए कितनी जीरो लगती है, 6। लाख के लिए कितनी लगती है, 5। ठीक है, और 1000, 10,000, 100 और उन सब के लिए आपको पहले की क्लासेस में बताया हुआ है कितनी जीरो लगती है। तो इसमें आपका नया आया है, एक तो लाख की, लाख के लिए 5 जीरो लगेंगी और 10 लाख के लिए 6 जीरो लगेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 1, 10, 100, 1000 कहाँ, ये रहा ना 2, तो 2 का क्या प्लेस आया है, 1000। तो 1000 के लिए कितनी जीरो लगती है, 3, तो 2 हो जाएगा 2000। ठीक है, तो हमारा ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इनको अच्छे से समझना है और नोटबुक्स में नोट करना है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।